हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 5 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स देखें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में ऑलमोस्ट 1% के करीब की गिरावट देखने को मिली है। तो एक महीने में इस स्टॉक में 6.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार देखें तो इस स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जहां पर 3 महीने में इस स्टॉक में 12% की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है और 1 साल में इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 10% की गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम 2 साल की देखें तो इस स्टॉक में 300% के करीब की तेजी देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म में देखें 2 साल में तो वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहेगा। इस स्टॉक में एक हाई बनता हुआ नजर आया अराउंड 69 रुपए, 69 रुपए 80 पैसे का इस स्टॉक में एक हाई लगा। ऊपरी लेवल पर देखें तो इस स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा, जहां पर इस स्टॉक में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। और नीचे का देखें तो इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 40 रुपए, 40 रुपए इस स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहां से इस स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 43 रुपए के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 55 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 44 रुपए के एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 50 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।